हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपनी कैमरा सेटिंग करनी है तो कैसे करेंगे, कैमरा फीचर एक्सप्लेन करनी है तो कैसे क्या कर सकते हैं। आज इसी वीडियो में आपको बताने वाले कैमरा के बेस्ट फीचर के बारे में जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। तो वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके आप भी अपने फ़ोन के अंदर अपनी कैमरा सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने फ़ोन के अंदर कैमरा सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का कैमरा ओपन कर लेना है। जब अपने फ़ोन का कैमरा ओपन कर लेते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन में मिल जाता है फ्लैश लाइट, जैसे आप अपने हिसाब से ऑटो भी कर सकते हैं और ऑल टाइम भी यूज कर सकते हैं। तो इसे हम कर देंगे ऑटो पे, फ्लैश लाइट आपकी हो जाती है ऑटो पे। एचडीआर मोड मिल जाता है जिसे आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, जिसमें भी आपको चाहिए एचडीआर मोड मिल जाता है ऑटो पे। फिलहाल हमारे ये ऑटो पे सेट है, ऑफ भी कर सकते हैं आप यहाँ से। उसके बाद आपको एआई मोड मिल जाता है जिसे आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपने फ़ोन के अंदर 50 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है जो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। थ्री डॉट पे जाएंगे, अब आपको यहाँ अपने ऑप्शन टाइमर देखने मिल जाता है। यहाँ आपको एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है जो रेशियो चाहिए। यहाँ से आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, सेटिंग पर जाएंगे, कैमरा की सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद पहला ऑप्शन देखने मिल जाता है वाटर मार्क, इसे जाएंगे, इसे आपको ऑन कर देना है। इसे आपको फ़ोन के अंदर वाटर मार्क देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको फ़ोन का वाटर मार्क देखने मिल जाता है, तो आपको कस्टम देखने मिल जाता है, डिवाइस मॉडल मिल जाता है, डेट एंड टाइम देखने मिल जाता है, फ़ॉन्ट साइज भी मिल जाता है, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आप इसे कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं वाटर मार्क को। यहाँ आपको ग्रेड एंड गाइड मिल जाती है जो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। नन है हमारे में ग्रेड में देखने मिल जाते हैं, डायनोलेक्शन लाइन मिल जाती है जो आपको चाहिए यूज कर सकते हैं। लेवल को आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। कैप्चर विद थ्री फिंगर सेंसर, जो आपका सेंसर से थ्री फिंगर विद फिंगर से भी आप सेंसर, जो आपका सेंसर पे फिंगर टच करेंगे तो आपको फोटो शूट हो जाता है। यहाँ मिल जाता है शूटर साउंड, शूटर साउंड को अगर आपको ऑन करना है तो यहाँ से जाकर शूटर साउंड ऑन कर सकते हैं। यहाँ आपको फ्लिप सेल्फी का ऑप्शन मिल जाता है, इसे ऑन करने के बाद आप अपने फ़ोन के अंदर फ्लिप सेल्फी ले सकते हैं, अपीयर इन द व्यू फिंगर। लोकेशन मिल जाती है, लोकेशन आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। आपको मिल जाता है शूटिंग मेथड, फोटो कैसे शूट करना है आपको। तो यहाँ आपको टैप टू इस कर देंगे, कहीं भी टच कर देंगे तो आपको फोटो शूट हो जाता है। वॉल्यूम एंड शो, इस प्रकार से अपना हेड शो कर देंगे तब भी आपका फोटो शूट हो जाता है। उसके बाद आपको वीडियो क्वालिटी मिल जाती है, वीडियो की हाई फैंसी मिल जाती है, वो यहाँ से ऑन कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। यहाँ आपको वॉल्यूम बटन एक्स मिल जाती है, वॉल्यूम बटन से आप अपने फ़ोन में क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम भी कर सकते हैं, शूटर भी कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने अपने फ़ोन में शूटर पर सेट कर रखा है, आपको जो अगर जरूरत हो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। शो डायरेक्टली लेंस इन वार्निंग देखने को मिल जाती है। यहाँ आपको रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग मिल जाती है जो यहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ आपको अबाउट के बारे में जान सकते हैं। तो गाइस इस प्रकार से ये थी हमारे फ़ोन की कैमरा सेटिंग की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।